Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing with our series, Complete Coverage of International Relations. Complete Coverage of International Relations. हम लोग कर रहे हैं, और जब मैं complete बोलता हूँ तो मैं actually complete ही mean कर रहा हूँ, because I am not leaving any holes barred in this part. In other words, हमने पहले एक chapters किए थे, which is Relationship to India and China Relations. और मैंने उसमें एक पार्ट में नहीं खत्म किया था, पांच वीडियोस लगे उसमें, और मैंने एक एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस तुम्हें पढ़ाया. उसके साथ ही है राइट, अब मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कर रहा हूँ, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का पार्ट वन और पार्ट टू, दो पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं. तो मैं चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर इन वीडियोस को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियोस भी वॉच करो. So it will be great for you, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे. इरादा ये है कि जब स्टूडेंट्स आईआर के लिए तैयारी करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे ऑथर्स, इतने सारे एडिटोरियल्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पढ़ना और पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. सो मैं पढ़ा तो मैं दूंगा, पढ़ तुम लो और अपनी लाइफ बना लो. सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यूपीएससी में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते. सो इन दैट प्रोसेस, इन दैट सीक्वेंस, वी आर डूइंग कंप्लीट कवरेज ऑफ आईआर. और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे 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 तुम्हारे सारे टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यूट्यूब पर मैं कर दूं, ताकि तुम्हें पैरेलल प्रिपरेशन हो जाए. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी में मुझे मेरे कोर्स सिड लाइव के नाम से जाना जाता है, SIDLIVE. सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है, SIDLIVE. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे एज अ रेफरल कोड, जब आप अन अकेडमी में प्लस या फिर आइकॉनिक क्लासेस लेंगे, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने इस एक कोड का फायदा उठाया है टू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट. इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा तुमको, एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सिड लाइव, एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू. So use कीजिए the code SIDLIVE whenever you are joining the plus classes or iconic classes. ये है मेरा telegram channel, इसको join कीजिए to get updated knowledge of polity, governance and international relation for UPSC civil service examination. तो मुझे कुछ भी polity से related कोई news आती है, कोई governance schemes आती है, कोई supreme court की कोई judgment आती है, या international relation में domain, कोई नया multiple choice question, या फिर कोई नया कोर्स मुझे तुम्हें बताना हो, उसकी इंफॉर्मेशन देनी हो, आई विल शेयर इट विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल. अगर आपके पास इस टाइम पर कैमरा है, मोबाइल कैमरा है, मोबाइल कैमरा को यूज कीजिए, इस कोड को स्कैन कीजिए, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली. सो डोंट वेस्ट दिस टाइम. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कनेक्टेड रहे. सो कनेक्शन के लिए दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. तो ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट इज विद रिगार्ड्स टू अ ह्यूज ऑफर जो अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए. इट इज अ ह्यूज 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 ऑफर, एंड दिस इज, मैं पहले ही बोलता हूं कि अगर आप कंपेयर करोगे अन अकेडमी के प्राइसेस को, ये सब्सक्रिप्शन रेट्स क्या है एज कंपेयर टू जब आप करोल बाग, राजेंद्र नगर या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी पढ़ने जाते हो, तो एज इट इज अन अकेडमी के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है. एक बार कंपेयर करके देख लो. लेकिन उसके बाद भी अन अकेडमी आपके लिए ऐसा ऑफर लेकर आ रही है, विच इज अ मेगा एक्सटेंशन ऑफर. मेगा एक्सटेंशन ऑफर, तुम्हें 20% डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, और सेलेक्टेड सब्सक्रिप्शन पर 6 महीना एक्सटेंशन भी मिल जाएगा. सो इट इज Twice, ये तो डबल हो गया, ये तो एब्सोल्युटली एक के साथ एक फ्री हो गया. इट इज अ मेगा एक्सटेंशन ऑफर, 20% डिस्काउंटेड प्राइस, 6 months एक्सटेंशन, लेकिन ये सिर्फ 29 जुलाई तक है. तुम्हें कोड यूज करना है, रेफरल कोड SIDLIVE, एंड डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. सो यूज दिस कोड सेड लाइफ एंड ज्वाइन अन अकेडमी, विच इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, with the best educators from all over India under one roof. So, chahe wo polity ho, chahe governance ho, chahe international relation ho, history ho, geography ho, prelims se lekar mains tak, mains se lekar optional tak, optional lekar interview tak, everything is available. Aur ab maine jaise bataya, 29 July tak 20% off hai. Bahut hi important test hai.
अनअकैडमी का लाइव टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ऑन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, उसको जरूर ज्वाइन करो। अगर तुम उसमें फर्स्ट रैंक कर आ गए तो तुमको नोट्स, यूपीएससी नोट्स 2.0 इमीडिएटली मिल जाएगा। ये एक और मैं तुम्हारे लिए ह्यूज हेल्प लाया हूँ, लैंडमार्क जजमेंट्स। मैंने 25 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक प्लेलिस्ट बनाई है, बेसिक्स ऑफ पीएसआईआर की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं सारी पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस 100 चुनिंदा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको इसी लिंक को, वो लिंक भी मैं सब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर करूंगा। अपना नाम लिख दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, एग्री टू अन अकेडमी टर्म्स और व्हाट्स नॉट, और यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ दिस पार्ट। तुम्हें यूपीएससी सीएसई नोट्स, इसके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इंटीग्रेशन है, टाइमलाइंस है, माइंड मैप्स है। इन अदर वर्ड्स, हम किसी ना किसी तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे आप सीएससी एश्योर प्रोग्राम लो, चाहे आपको लोन की जरूरत है, अनअकैडमी हमेशा आपकी मदद करेगा विद वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग। तुम इन टॉपर्स में अपने आप को देखना चाहते हो, यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ। चाहे तुम कॉम्बैट में हो, चाहे तुम्हें लोन की जरूरत है, अनअकैडमी तुम्हारा लास्ट डे तक साथ निभाएगा। आज का वीडियो तो हम लोग कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और जब हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कर रहे हैं तो हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कर दिया, तो अब मैं इसमें रिकैप तो नहीं करूंगा, बट मैं तुमको सिर्फ ये पॉइंट्स बता दूंगा कि ये पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियोस देखना जरूर। पार्ट वन एंड पार्ट टू के वीडियोस में जो कुछ भी हुआ है वो मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ। सो एक एक करके स्लाइड्स को मैं दिखा दूंगा ताकि तुमको पता चलता जाए कि हुआ क्या है। तो हमने बोला था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से स्ट्रेन थे, और इसी वजह से हमारे सारे एडिटोरियल्स और हमारे फॉरेन पॉलिसी में कई बार इनके बारे में ही बात होती रहती है कि यह पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप होना बड़ा गड़बड़ होता है, उसको हमेशा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी बोलते थे, नेबरहुड फर्स्ट, नेबर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनके साथ रिश्ता ठीक से रखना ही पड़ेगा। सो हमें उनके साथ चाहते ना चाहते हुए वी हैव टू डील विद देम, और हम लोग जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बड़े पुराने समय से कनेक्टेड हो रही है। जैसे वी हैड अ डिस्टर्ब्ड पास्ट विद द पार्टीशन विद सो मेनी ऑफ मेन वेमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड ड्यूरिंग दिस वायलेंट पार्टीशन, फिर वॉर्स हुए जिसका अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, द कश्मीर वॉर, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर किया था, और बालियस यानी कि मर्सिनरीज, ट्राइबल मर्सिनरीज को यूज करके इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने कश्मीर में। तो ये सारी जो चीजें ये मैंने पार्ट वन पार्ट टू में कई ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। प्लीज इंश्योर कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, और जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि आइए पढ़ना कैसे होता है। तो दिस इज इट फॉर इंडिया ने कैसे रिकवर किया, कराची एग्रीमेंट में ऐसे सीज फायर लाइन बनी, लेकिन वो सीज फायर लाइन पूरी नहीं बनी, वो जो सीज फायर लाइन बनी वो सिर्फ पॉइंट NJ9842 तक डिसाइडेड थी, और उसके बाद लिख दी गई थी देन नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। सो ये पूरी लाइन डिफाइन नहीं होने की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम आ गई, और वो मेजर प्रॉब्लम थी सियाचिन में, बिकॉज सियाचिन जो है वो पाकिस्तान की क्लेम लाइन जो पॉइंट NJ9842 को अगर देखें तो पाकिस्तान इलीगली क्लेम करता था कि सियाचिन उनका है, जबकि वो गलत था, बिकॉज देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स इंडिया की क्लेम लाइन से मैच करता है। तो अगर हम लोग इस बात पे गौर फरमाए कि वाई नॉट बियॉन्ड NJ9842, तो हमें ये जवाब मिलेगा कि किसी ने सोचा ही नहीं था। मतलब कौन ये बात सोच सकता है कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हजारों फीट ऊपर अबव सी लेवल कि कोई दो कंट्रीज को इस पर भी हाईएस्ट बैटलफील्ड बनाने की नौबत आएगी, और उसमें मेन कारण था पाकिस्तान का इरादा टू
who illegally occupy Siachen so that would dominate kar sake the region of Kashmir and Karakoram and so on and so forth. इसको ही इनके इरादों को हराने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन मेघदूत में मेजर कंट्रीब्यूशन निभाई थी कर्नल नरेंद्र कुमार में जिन्होंने मैप्स बनाए वहां के नेविगेशन साइट्स बनाए और इंडियन आर्मी को पता चला कि व्हाट इज सियाचिन ग्लेशियर ऑल अबाउट वरना पाकिस्तान ने तो इरादा बना ही लिया था ऑपरेशन अबाबील करके वो सियाचिन ऑक्यूपाई कर लेते और फिर इंडिया को बहुत डेंजरस सिचुएशन फेस करनी पड़ती 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ एट द हैंड्स ऑफ द 4 कुमाऊं रेजिमेंट और उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ चैलेंज बिकॉज ऑपरेशन मेघदूत के सक्सेस के बाद भी एक प्रॉब्लम रह गई थी वो प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी भी कुछ बहुत हाई पोस्ट थे जिनको वो कैद पोस्ट बोला करते थे और वो कैद पोस्ट जो थे उससे वो डोमिनेट कर लेते थे पूरे के पूरे एरिया पर और ऐसे ही एक डोमिनेशन में और यही उनके जो मिस एडवेंचर चलता है इसी वाले सिचुएशन में उन्होंने घात लगा के हमला किया अननेसेसरली टारगेट किया और फ्लाइट और सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे was killed in action. उन्हीं के retaliation में launch किया गया operation Rajiv. This was led at that time, by Naib Subedar Bana Singh साहब. Naib Subedar Bana Singh साहब ने 1987 में इस Siachen standoff में contribute किया और विश्वास नहीं होगा आपको कि 500 मीटर की ऊंची दीवार, पत्थर, पहाड़, दीवार, बर्फ की दीवार को उन्होंने लॉन्च किया रीटेक ऑफ द कैद पोस्ट और उसी को नाम मिला बाना टॉप आज वो बाना टॉप कहलाता है इन द रिकॉग्निशन एंड द ऑनर ऑफ ऑनरेबल कैप्टन बाना सिंह जिनको फिर अवार्ड किया गया परमवीर चक्र एंड थैंकफुली सियाचिन एंड द बाना टॉप डोमिनेशन की वजह से इंडिया इज ए नाउ सेफर हैंड्स प्रॉब्लम सिर्फ एक ही डिस्प्यूटेड एरिया की नहीं है देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स और एक और प्रॉब्लम जो है वो है सर क्रीक एरिया की तो हम धीरे 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 पूरा टॉपिक करेंगे और जो टॉपिक है जो सेकेंड डिस्प्यूटेड एरिया है वो है सर क्रीक एरिया सो पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम लोग कंप्लीट डिटेल में करने वाले तो कंप्लीट डिटेल में करने के लिए ओके अब हम समझेंगे कि सर क्रीक एरिया का सिचुएशन क्या है तो मैं फिर ये बात बोल रहा हूं ये जितने भी मैं आपको मैप्स दिखा रहा हूं ये रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस है प्लीज डोंट गो इनटू एक्यूरेसी और मैं कोई यहां पर क्लेम नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्ट स्केल टू स्केल है या थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर नहीं हो सकते So let us explain Sir Creek area और ये जो Sir Creek area है right ये जो Sir Creek area है ये एक estuary है it is an estuary जो कि 96 किलोमीटर long estuary है जिसके दो साइड से borders है okay और एक साइड का border इंडिया को लगता है that is the Kutch area of India और दूसरे साइड पर जो area है वो है सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ी देर से अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मैं 1947 से बात पहले करूं तो मैं इस सर क्रीक एरिया को दो कंट्रीज के बीच में नहीं मानूंगा उस टाइम पे मैं इनको दो स्टेट्स के बीच में मानूंगा जो दोनों ही स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे एक को सिंध बोला जा सकता है और एक को कच्छ एरिया माना जा सकता है बट वो दोनों एक ही कंट्री के थे और आज क्योंकि हम लोग दो अलग अलग कंट्रीज है तो मैं इसको इंटरनेशनल लॉ में पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज आज यही सर क्रीक एरिया कच्छ एरिया ऑफ इंडिया एंड सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान के बीच में तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सारा का सारा डिस्प्यूट ही पूरा चेंज हो गया बिकॉज लॉ ही कंप्लीटली चेंज हो गया ये
पहले जो दो स्टेट्स के बीच में था, लेकिन एक एक कंट्री के बीच में प्रॉब्लम थी, आज वो एक कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री में है। इन अदर वर्ड्स, ये एक इंटरनेशनल लॉ का इशू है। सो ये सर क्रीक एरिया अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ओके, इस पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने दो लाइंस को दिख रहा है, तो वन ऑफ दोस लाइंस ये रेड में मार्क्ड है, यस, और वन ऑफ द लाइंस ये ग्रीन में मार्क्ड है। ये जो ग्रीन में मार्क्ड लाइन है, पाकिस्तान के अनुसार सर क्रीक एरिया का जो बॉर्डर है या फिर जो डिवीजन होनी चाहिए वो अलोंग द ग्रीन लाइन होनी चाहिए, जो इसमें तुम्हें ग्रीन लाइन से दिख रही है, यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट। और इंडिया के अनुसार सर क्रीक को या इस एस्चुरी को राइट इन द मिडल ऑफ द एस्चुरी डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि ये रेड लाइन में होनी चाहिए। तो अब ये दो लाइनों की कहानी है, तो तुम नोटिस करोगे सारी की सारी प्रॉब्लम अनडिसाइडेड या फिर अनवेरिफाइड बॉर्डर्स की वजह से, वो चाहे लैंड बॉर्डर्स हो चाहे डिविजन विद इन द वॉटर बॉडीज है। सो इसमें ये लाल वाली लाइन जो है वो इंडिया का क्लेम है कि द एस्चुरी शुड बी डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ दिस रेड वाला एरिया, व्हाइल पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो ग्रीन वाले एरिया के अनुसार हो। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, सर क्रीक इज अ 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी इन द रन ऑफ कच्छ, और ये इंटरप्रिटेशन जो है उस पे डिस्प्यूट है एट व्हाट इज कॉल्ड एज द मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। अब मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं इसको तुम प्लीज ध्यान से समझोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। नाउ मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के अनुसार जहां तक वो लाइन होती है, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड स्पॉट हो गया है, हाईली वॉलेटाइल स्पॉट हो गया है, एंड दैट इज वाई मिलिटराइज जोन बन के रह गया। तो अब मैं इस बात को सोचने की कोशिश करता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि कौन सी मैरिटाइम बाउंड्री लाइन है। उसको समझने से पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सर क्रीक लाइन में सिचुएशन क्या है। तो ये तुमने नोटिस हो रहा है, तो अगर तुम इस रेड लाइन को मानोगे तो ये इंडिया की क्लेम लाइन है, तो बाउंड्री क्लेम्ड बाय इंडिया। तो अगर मैं बाउंड्री क्लेम बाय इंडिया को मानूंगा तो ये लाइन यहां तक है, ये ऐसे जा रही है, और अगर मैं बाउंड्री क्लेम बाय पाकिस्तान की बात मानूं तो ये लाइन यहां जा रही है। अब तुम लोग सोचोगे कि क्या मतलब हद हो गई है, मतलब 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी है, इतने भी क्या टेंशन है। ये टेंशन बहुत बड़ी है, ये टेंशन इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अगर तुम इस लाइन को देखोगे तो यही लाइन एक्सटेंड हो रही है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो तुम नोटिस करो, अब देखो अब आएगा समझने का टाइम। तो अगर मैं पाकिस्तान की लाइन, जो पाकिस्तान की क्लेम लाइन है, उसको मानू तो वो लाइन एस ओ हो, ये तो कहीं और ही जा रही है, ये चली गई इन द अरेबियन सी, और अरेबियन सी के अनुसार, और अगर इंडिया की लाइन मानी जाए तो, और इंडिया की लाइन मानी जाए तो अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लेम लाइन, अगर हम मान ले, अगर हम इंडियन क्लेम लाइन मान ले, जस्ट वन सेकेंड, तो इंडियन क्लेम लाइन मानेंगे तो ये भी तो एक्सटेंड होगी, ये भी एक्सटेंड होगी, और ये लाइन जब एक्सटेंड होगी, सॉरी, तो ये ऐसे करके एक्सटेंड हो जाएगी। तो मामला इतनी सी एस्चुरी का नहीं है, मामला इतनी सी एस्चुरी का नहीं है, मामला यहां नहीं खत्म होता कि यार ये 100 किलोमीटर की एस्चुरी से क्या होता है, मामला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सटेंड करोगे तो इन अरेबियन सी का, सॉरी अगर मैंने इंडियन ओशन तो नहीं बोल दिया था, अरेबियन सी का ये जोन भी उसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की लाइन मान ली जाए तो ये इतना बड़ा टेरिटरी और इतना बड़ा मैरिटाइम जोन ऑफ अरेबियन सी
ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास चले जाएगा, और अगर इंडिया की क्लेम लाइन मानी जाए तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया के पास रह जाएगा। ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी की बात नहीं हो रही है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और ये जो अरेबियन सी है, यहां पर बहुत ऑयल है, गैस है। इन अदर वर्ड्स, ये एक पोटेंशियली ह्यूज इकोनॉमिक जोन है, और अगर ये पोटेंशियली ह्यूज इकोनॉमिक जोन है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का ध्यान इस पर ज्यादा आएगा। सो ये सिर्फ दो लाइंस इन द एस्चुरी नहीं है, ये दो लाइंस एक्सटेंड होती है इन द ओशन, और ये जोन खत्म हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान इसके ऊपर बार 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 दावा करता है। ऐसे उनके पास पैसे की बड़ी भयंकर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो हर जगह गलत गलत जगह पे पैसा यूज करते हैं, और फिर वो इलीगली जगहों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इंडिया का क्लेम बोले और पाकिस्तान का क्लेम बोले तो जीतेगा कौन? अब अगर हम थोड़ी देर के लिए अनइमोशनल भी डिसीजन ले और प्योरली लॉ पे भी बात करें, तो मैरिटाइम एरियाज यानी कि वाटर जहां पे भरा होता है, उन एरियाज को जब डिवाइड किया जाता है तो जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसे अनक्लॉज बोलते हैं। अनक्लॉज के अनुसार जो रिच वॉटर रिच एरियाज होते हैं उनको डिवाइड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ थैल्विक प्रिंसिपल। ये थैल्विक प्रिंसिपल क्या है? थैल्विक प्रिंसिपल सेज कि अगर देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज जो कि वॉटरवे है, जहां पानी भरा हुआ है, तो जो मीडियन लाइन है, जो मीडियन लाइन है जो बिल्कुल ठीक से जा रही है, उसी को बॉर्डर बना दिया जाता है। सो इसी को थैल्विक प्रिंसिपल बोलते हैं। और अगर ये थैल्विक प्रिंसिपल मानना है, हाँ हमने मानना है, अगर तुम ये थैल्विक प्रिंसिपल मानोगे मानेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके वॉटर बॉडी के बीच में जो लाइन जा रही है वो लाइन मीडियन लाइन इंडिया की मानी जाएगी। सो थैल्विक प्रिंसिपल के अनुसार इंडिया की जो क्लेम लाइन है वो 100% सही है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज बोलता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉटर बॉडी एक बॉर्डर की तरह काम करेगी तो उसकी मीडियन लाइन को ही इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाएगा। ये पाकिस्तान को कौन समझाए? पाकिस्तान बोलता है कि एक जमाना था जब इस पर डिस्प्यूट था, 1908 में जब राव द रूलर ऑफ कच्छ एंड सिंध के बीच में ये बहस हुई थी, उस टाइम पर बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मैप से जो ईस्टर्न बैंक है यानी कि जो पाकिस्तान की क्लेम लाइन है उसमें बॉर्डर डिसाइड हुआ था। अब मैं पाकिस्तान को ये नहीं बता पा रहा हूं, मेरे से बात करनी जरूरी है कि पाकिस्तान वो बॉम्बे रेजोल्यूशन मैप भी ठीक से नहीं बना था, क्योंकि उसके ही पैरा 10 में मिड चैनल को बाउंड्री बना दिया था। अब प्रॉब्लम ये है जो तुमको मैंने इंडिया चाइना रिलेशन में भी बताया, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया विद रिलेशनशिप टू सियाचिन, कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। उस टाइम ये एम्बिग्यूटी रह गई, और ये जो एम्बिग्यूटी है ना ये भारी पड़ गई, एंड दैट इज वाई तब किसी ने देखा नहीं। अब ये भी ख्याल आता है कि तब इसको क्यों नहीं देखा गया, अब वो तो चले गए जिन्होंने बनाए थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये कर गए कि उस टाइम पर ये विद इन द नेशन विद इन टू स्टेट्स एक डिस्प्यूट था, तो शायद उस टाइम इतना सीरियसली भी नहीं लिया गया, या उसको लिया भी गया होगा तो उसको एक लैंड एरिया मान लिया गया। लेकिन जैसे ही वो डिस्प्यूट इंटरनेशनल लॉ में आ जाता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैल्विक प्रिंसिपल लगने लगता है, और जब थैल्विक प्रिंसिपल लगेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया की क्लेम लाइन परफेक्ट मानी जाएगी। सो इसके ऊपर हमने क्लैश देख लिया है 1965 वॉर में, जो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगा। इंडिया पाकिस्तान के ट्रिब्यूनल बैठा कच्छ
बॉर्डर के को डिसाइड करते टाइम, और 90% ऑफ इंडिया क्लेम मान लिया गया, लेकिन वो सर क्रीक अभी भी अनडायग्नोज या फिर अनरिजॉल्व रह गए। सो एक मेजर प्रॉब्लम ये है, और ये चलता जा रहा है चाहे 97 से 2008 तक, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस पाकिस्तान कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज देखो, ताकि फॉलो द थाल्विक प्रिंसिपल एंड मेक श्योर कि अननेसेसरी तुम इलीगली क्लेम ना करो। तो इफ यू नोटिस दिस पार्ट, और हम थोड़ी देर में जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि दिस वाज द वन व्हिच वाज आल्सो द प्रिल्यूड टू द 1965 वॉर एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तुम्हें समझ में आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं ऐसे शॉर्ट पीसेस में तुमको पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, मैं जितने एडिटोरियल्स ढूंढ सकता हूँ, जितने आर्टिकल्स ढूंढ सकता हूँ, मैं सब तुमको बताऊंगा। दिस इज माई आइडिया ऑफ कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब तुम्हें समझ में आया क्या होगा, अगर हम YouTube में इतने आराम से पढ़ा सकते हैं तो प्लस क्लासेस में कितना डिटेल में पढ़ाएंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, यूज द कोड सेड लाइव SIDLIVE एंड ज्वाइन अस ऑन आवर प्लस क्लासेस। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।